नमस्कार दोस्तों, फिल्मी टशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन चक्रवर्ती और शिल्पा शिरोडकर के अभिनय से सजी फिल्म स्वर्ग यहाँ नर्क यहाँ के बारे में और जानेंगे फिल्म का बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और फिल्म से जुड़े कुछ अनसुने फैक्ट। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिल्म स्वर्ग यहाँ नर्क यहाँ एक क्राइम एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे 2 अगस्त 1991 को रिलीज किया गया था। फिल्म के निर्माता हैं राजीव कुमार और फिल्म को निर्देशित किया है विमल कुमार ने। इस फिल्म में अपनी अदाकारी का जादू बिखेरा है मिथुन चक्रवर्ती, शिल्पा शिरोडकर, सुमा लता, कादर खान, गुलशन ग्रोवर, भारत भूषण, दिनेश सिंगू, अवतार गिल, गुड्डी मारुति, आदि ईरानी और यूनुस परवेज ने। फिल्म के गीत लिखे हैं इंदिवर ने तथा संगीत दिया है राजेश रोशन ने। फिल्म के एल्बम में टोटल 7 गाने हैं जिन्हें अपनी मधुर आवाज में गाया है उदित नारायण, अनुराधा पौडवाल, नितिन मुकेश, अमित कुमार, सुखविंदर सिंह और मंगल सिंह ने। फिल्म को IMDB की ओर से 10 में से 6.7 की रेटिंग मिली हुई है और 85% गूगल यूजर ने पसंद किया है। दोस्तों, बात कर लेते हैं फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। फिल्म का बजट 2.5 करोड़ रुपए था और इस फिल्म ने भारत में 4 करोड़ का कारोबार किया था। अगर फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 5.3 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था। दोस्तों, बता देते हैं फिल्म से जुड़े कुछ अनसुने फैक्ट के बारे में। फैक्ट नंबर 1, साउथ फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री सुमा लता की यह तीसरी हिंदी फिल्म थी। इस फिल्म से पहले 1988 में रिलीज हुई फिल्म न्यू दिल्ली और 1990 में रिलीज हुई फिल्म प्रतिबंध में काम किया था और इस फिल्म के बाद आज का गुंडा राज, परदेसी, दुश्मन दुनिया का, महानता और क्षत्रिय जैसी फिल्मों में काम किया। फैक्ट नंबर 2, मिथुन चक्रवर्ती और अभिनेत्री सुमा लता की एक साथ यह पहली फिल्म है। इस फिल्म के बाद 1993 में रिलीज हुई फिल्म परदेसी में एक साथ काम किया। फैक्ट नंबर 3, मिथुन चक्रवर्ती की एक रिश्तेदार ने यह फिल्म देखी जिसमें गुलशन ग्रोवर द्वारा निभाए गए किरदार हवेली राम रावल पिंडी वाला से काफी प्रभावित हुए और रावल पिंडी के बूढ़े आदमी से मिलना चाहते थे। मिथुन चक्रवर्ती ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि वह रावल पिंडी से नहीं है और ना ही बूढ़े आदमी है, वह एक युवा अभिनेता है, लेकिन उन्होंने मिथुन की बात नहीं मानी और उस अभिनेता को घर पर आमंत्रित करने के लिए कहा ताकि उन्हें देखकर विश्वास कर सके। जब गुलशन ग्रोवर मिथुन चक्रवर्ती के घर पर आए तो मिथुन के रिश्तेदार ने कहा कि वह अभिनेता नहीं है जिसे उन्होंने फिल्म में देखा था। फैक्ट नंबर 4, मिथुन चक्रवर्ती और निर्देशक विमल कुमार की एक साथ यह एकमात्र फिल्म है। फैक्ट नंबर 5, विमल कुमार ने बतौर निर्देशक अपना फिल्मी करियर 1983 में रिलीज हुई फिल्म अगर तुम ना होते से की थी। विमल कुमार के निर्देशन में बनने वाली यह 5वीं फिल्म है। फैक्ट नंबर 6, निर्देशक विमल कुमार ने अपने फिल्मी करियर में 10 हिंदी और 2 भोजपुरी फिल्मों का निर्देशन किया जिनमें गोविंदा के साथ सबसे ज्यादा 5 फिल्में बनाई जिनमें जैसी करनी वैसी भरनी, कर्ज चुकाना है, दुलारा, छोटे सरकार और राजा जी जैसी फिल्में शामिल हैं। फैक्ट नंबर 7, निर्देशक विमल कुमार ने हिंदी के अलावा 2 भोजपुरी फिल्में देश परदेश और दरिया दिल फिल्मों का निर्देशन किया और इन फिल्मों में बॉलीवुड सुपरस्टार धर्मेंद्र ने भी काम किया था। फैक्ट नंबर 8, इस फिल्म की कहानी दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन अभिनीत 1982 में रिलीज हुई फिल्म शक्ति से मिलती जुलती है। फैक्ट नंबर 9, मिथुन चक्रवर्ती ने इस फिल्म में पिता और पुत्र की दोहरी भूमिका निभाई थी। जहां पिता के रोल में एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया था तो वहीं जुर्म के रास्ते पर चलने वाले एक गुमराह बेटे की नकारात्मक भूमिका निभाई थी। दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फिल्मों से जुड़ी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में।